नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को लेकर आज मैराथन समीक्षा बैठक करेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में 16 प्रमुख विभागों की होने वाली बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सक, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, विधि विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पथ निर्माण, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो आज सीएम हेमंत सोरेन मैराथन बैठक करने वाले हैं। प्रोजेक्ट भवन में 16 विभागों की समीक्षा बैठक होगी। तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि खर्च हो पाई है, योजनाओं को कार्यान्वित करने को लेकर वो तमाम उन तमाम मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। पंचायती राज विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पथ निर्माण विभाग, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इन तमाम विभागों के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। समीक्षा करेंगे, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और हमारे साथ सहयोगी राकेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, ये बैठक काफी अहम, क्योंकि देखिए इस वित्तीय वर्ष में अब तक जो काम हो पाए हैं, जितनी राशि खर्च हो पाई है, अब बहुत उम्मीद की जाएगी कि बहुत जल्द से वो राशि जिन योजनाओं के लिए दी गई है उनको खर्च किया जाए। विकास के लिए जो राशि खर्च की जानी थी और जो काम होने थे वो अब दिखे, यानी कि रफ्तार जो है विकास की वो बढ़ानी होगी और इसी को लेकर ये मीटिंग। नहीं, बिल्कुल, देखिए रफ्तार बढ़ाने की एक कवायद आप कह सकते हैं, और यही वजह है कि जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री का खास फोकस है। आप देखेंगे कि तमाम वैसे विभागों को चिन्हित किया गया है जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है, चाहे आप कृषि पशुपालन विभाग की बात कर ले, आप पेयजल स्वच्छता विभाग की बात कर ले, शिक्षा विभाग की बात कर ले, ग्रामीण विकास विभाग की बात कर ले, क्योंकि हाल के दिनों में मनरेगा में को लेकर काफी फोकस था सरकार का, और कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां गई थी, तो उस मनरेगा के तहत कई लोगों को रोजगार से जोड़ा गया था, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी थी। अब उसकी गति को बढ़ाने की कोशिश होगी और उसी को लेकर मुख्यमंत्री की यह मैराथन बैठक है। 17 विभागों की मुख्यमंत्री एक दिन आज पूरी सुबह से लेकर तकरीबन 10 बजे से शाम 6 बजे तक बैठक होनी है, और 17 विभागों की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, मैराथन बैठक होगी, और कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद विकास की जो रफ्तार है, जो कोरोना काल में थोड़ी धीमी पड़ी थी, राज्य सरकार की वैसी योजनाएं जो रफ्तार नहीं पकड़ पा रही थी, धरातल पर चीजें नहीं दिख पा रही थी, तो अब उन योजनाओं को रफ्तार बढ़ाने की कोशिश है ये, और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहल शुरू कर दी है। 17 विभागों की आज समीक्षा होनी है। शुरुआत जो होगी वो कृषि विभाग से होगी, और चूंकि कृषि पर राज्य सरकार का खासा फोकस है, आपने देखा होगा कि किसानों के ऋण माफी को लेकर भी सरकार ने कई कदम आगे बढ़ाए और सरकार के वो मैनिफेस्टो में भी था, तो
तो जो आम लोगों से जुड़ा हुआ जो मसला है, आम लोगों के सरोकार से जुड़ा हुआ जो मसला है, उसको लेकर सरकार गंभीर है। जनहित से जुड़े मसले पर सरकार की गंभीरता दिख रही है और यही वजह है कि आज से विभागवार समीक्षा बैठक की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री आज 17 विभागों की समीक्षा करेंगे और जो विकास की गति जो थोड़ी धीमी हो गई थी कोरोना काल में, कोरोना संकट के दौरान, उसे फिर से एक बार रफ्तार देने की कोशिश की जाएगी। आरती, बिल्कुल ये कोशिश की जाएगी और इसी कोशिश में ही ये जो बैठक होगी इसमें अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि जो भी काम अब तक अटके पड़े थे उन कामों में तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द उन काम को पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि अब सरकार जीविका पर फोकस कर रही है, चूंकि कोरोना ने बहुत कुछ डिटेन कर रखा था, लेकिन अब जब सब कुछ पटरी पर लौट रहा है तो विकास के कार्य भी होने चाहिए और जल्दी से होने चाहिए ताकि लोगों को फायदा मिल सके। नहीं देखिए, बिल्कुल सरकार का ये मोटिव रहा है कि जीवन और जीविका दोनों चले। आपने कोरोना संकट के दौरान में भी सरकार की तरफ से ये लगातार बयान आए थे कि सरकार की कोशिश, सरकार की प्राथमिकता जीवन और जीविका दोनों चले, इसको लेकर है। लेकिन अब चूंकि स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई है, कोरोना के संकट से बहुत हद तक ये राज्य जो है उभर चुका है। आपने देखा होगा जो मौजूदा आंकड़े हैं वो बेहद सुखद है झारखंड के लिहाज से। तो अब सरकार का सारा फोकस है कि कैसे विकास की गति को, उसकी रफ्तार को बढ़ाया जाए। और आज की जो बैठक है, जो मैराथन बैठक है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, तो उसमें तमाम विभागों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे, विभागीय सचिव भी मौजूद रहेंगे, जिले की उपायुक्त को भी मौजूद रहने की बात कही गई है, तमाम जिलों के जो SSP हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो विकास की रफ्तार कैसे आम लोगों तक पहुंचे, राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर कैसे पहुंचे और आम जनता को उन योजनाओं का कैसे लाभ हो, इसको लेकर अब सरकार गंभीर हो चुकी है। और सरकार की गंभीरता इस बात से देखा जा सकता है कि एक दिन में मुख्यमंत्री जो है वो अकेले 17 विभाग की समीक्षा करेंगे। तो अब चूंकि 2 साल का वक्त हो चुका है, अब 3 साल ही सरकार के बचे हैं, तो सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो जन सरोकार से जुड़े हुए जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो चाहे केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, वो धरातल तक कैसे पहुंचे और आम आवाम को कैसे इन योजनाओं का लाभ मिले, उसको लेकर अब सरकार का खासा फोकस है। आरती, चलिए और देखना होगा कि अब इन विभागों की जब समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री और जब अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा तो कितनी रफ्तार पकड़ पाती है, विकास के जो काम है वो कितनी तेजी से हो पाते। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम बातचीत के लिए आपका। तो आज बताएं आपको कि 16 विभागों की समीक्षा करेंगे, कामकाज का लेखा जोखा लेंगे, राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो राज्य में चलाई जा रही हैं उसके विकास को गति देने की कोशिश और जल्द से जल्द उन कामों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। ये अहम बैठक और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार कितनी संजीदा है उन विकास कार्यों को समय से पूरा कराने के लिए। एक दिन में ही इन तमाम विभागों के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे और साथ ही ये कोशिश होगी कि अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाए कि जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।